हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। आज बात करेंगे येस बैंक शेयर के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जो करंट न्यूज़ निकल के आई है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जानेंगे एंड शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है वो भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करंट प्राइस जो चल रहा है शेयर का वो है 14.55। 52 वीक हाई और लो के बारे में बात करते हैं। 52 वीक जो लो था वो था 10.50 और जो हाई था वो था 20.75। तो अगर 20.75 के कंपैरिजन में देखें तो अभी आपको 40 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इसमें कितना स्टेक है, तो स्टेक के बारे में आप सोचिए कि SBI ग्रुप का इसमें 30% स्टेक है, ICICI ग्रुप का 2.99% स्टेक है एंड एक्सिस ग्रुप का इसमें 1.96% स्टेक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो अपना पहला रेजिस्टेंस बनाएगा 14.80, देन 15.05, देन 15.20, और अगर नीचे की तरफ आता है तो जाएगा 14.40, 14.25 एंड 14। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस एंड 3 सपोर्ट बता दिए हैं। वॉल्यूम था लास्ट सेशन में 9 करोड़, जो कि एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है। इस शेयर में फ्रेंड्स करोड़ में ही वॉल्यूम दिख रहा है डेली बेसिस पे। न्यूज़ है ये कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पिक्स स्टेक्स इन 19 कंपनीज इंक्लूडिंग येस बैंक, एंजल वन, BSE कैम्प्स। ये न्यूज़ फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दी थी, बट इसके अलावा भी एक न्यूज़ निकल के आई है, बट ये न्यूज़ भी आपको मैंने बता दी है कि आपको पता लगे कि ये बैंक दोबारा से एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर देगा। बिकॉज जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लाइक जो अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वो इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। दूसरी न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स, रिलायंस कैपिटल लेंडर्स फाइनलाइज रेजोल्यूशन प्लान पेपर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड, जो रिलायंस कंपनी है वो जो अपने लेंडर्स को पैसा वापस करना चाह रही है, और फ्रेंड जो ये पैसा फाइनलाइज होके मिलेगा तो इसमें से जो 40% येस बैंक को मिलेगा फ्रेंड्स, येस। तो अब मैं आपको फिगर्स में अमाउंट बताती है। येस बैंक को ये अमाउंट मिलेगा 13700 करोड़ का, 13700 करोड़ का जो अमाउंट है ये येस बैंक को मिलेगा, मतलब 40%। तो आप ये न्यूज़ से समझ सकते हैं कि अगर येस बैंक को ये पैसा मिल जाता है तो येस बैंक को आप एक शेयर प्राइस में एक बहुत अच्छी उछाल देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ है निकल के, वो ये आई है कि येस बैंक लोन बुक एक्सपैंड्स बाय 8.8% टू ₹1.81 trillion इन फॉर द ईयर 2022। तो फ्रेंड्स, ये भी एक गुड न्यूज़ है येस बैंक के लिए। अब आपको मैंने 3 न्यूज़ बता दी येस बैंक के लिए, जो कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है, और आप समझ सकते हैं कि येस बैंक में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये फ्यूचर में कहां तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप दोबारा से वही लेके चलिए, इसका जो 52 वीक हाई था 20 और 21 रुपये के आसपास। और फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये आपको 400 रुपये या 500 रुपये भी जाता हुआ आराम से दिख सकता है, जो लोग 10 साल का प्रोस्पेक्ट लेके चलेंगे इस शेयर में। तो फ्रेंड्स, जो लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो 20 से 21 रुपये तक एंट्री लेके 20-21 में निकल सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो इसमें होल्ड करिए, ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू येस बैंक, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। 3 अपडेट्स आए थे, तीनों के तीनों शेयर कर दिए। एक अपडेट लास्ट वीडियो में भी दे रखा था, बट दोबारा से अपडेट दिया, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की म्यूचुअल फंड कंपनी भी येस बैंक में इंटरेस्टेड है। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो जरूर बताऊंगी वीडियो के थ्रू। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं यहाँ आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, फालतू की लंबी चौड़ी वीडियोज़ नहीं बनाती, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस अकॉर्डिंग वर्क कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसमें आपका ही फायदा है, आपको ही नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच।